नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली ओडीआई सीरीज अब स्थगित हो गई। ये सीरीज सितंबर में आयोजित होनी है। श्रीलंका में ये दोनों टीमें भिड़ने वाली, हालांकि अभी ये सीरीज स्थगित हो गई। खबरों के मुताबिक अब इस सीरीज को 2023 वर्ल्ड कप से पहले आयोजित किया जा सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सभी मुकाबले पहले हनबनटोटा में खेले जाने वाले, हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से उड़ाने काफी प्रभावित हुई और इसी वजह से इस सीरीज को बाद में पाकिस्तान शिफ्ट किया गया। अफगानिस्तान की टीम सड़क मार्ग से पाकिस्तान जाने वाली थी, हालांकि अब सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया। खबरों के मुताबिक अब इस सीरीज का आयोजन 2023 वर्ल्ड कप से पहले किया जा सकता है। स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद शिनवारी ने बताया कि दोनों ही क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सीरीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया। ये फैसला तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात की वजह से लिया गया। उन्होंने कहा, काफी सोच विचार के बाद दोनों बोर्ड्स ने आपसी सहमति से सीरीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। कंडीशंस और खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दोनों बोर्ड्स ने यह फैसला लिया। श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के आयोजन के लिए हमारा पूरा सपोर्ट किया था, हालांकि वर्तमान माहौल में सीरीज का आयोजन संभव नहीं है। आपको बता दें, सीरीज के स्थगित होने की सूचना देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक ट्वीट किया। पीसीबी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने एसीबी की रिक्वेस्ट के बाद वनडे सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमसे कहा था कि उनके खिलाड़ियों की मेंटल है, काबुल में फ्लाइट संबंधी दिक्कत, ब्रॉडकास्ट सुविधाओं की कमी और श्रीलंका में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस सीरीज स्थगित कर दी जाए। दोनों देश अब 2022 में इस सीरीज का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।